होशियारपुर दसूहा के एक गांव में बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट की अज्ञात लोगों द्वारा तेज हथियारों से कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। उधर इस हादसे के बाद परिवार सदमे में हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है। मौके पर जानकारी देते मृतक की लड़की ने बताया कि उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था और न ही कोई पुरानी रंजिश थी। उधर पुलिस भी इस मामले को लूटपाट तथा एंगलों से देखकर जल्द ही परिणाम तक पहुंचने की बात कर रही है। इस संबंधी एसएसपी दसूहा ने बताया कि कातिल की इस घटना को अंजाम देने के बाद मृतक बीएसएफ से रिटायर्ड कमांडेंट नरेंद्र सिंह की राइफल भी साथ ले गए हैं। किसका फोन आया हुआ? सानू मेरे भाभी जी दा साए दी नु आ। रात यहां पे कौन-कौन था? मम्मी डैडी दोनों ही बस। बाकी परिवार कहां रहता है? बाकी मेरा ब्रदर अमेरिका जे है, जे दोनों बहन है अपने अपने घर। आपकी मदद जो भी छोटे मम्मी हॉस्पिटल है। ये मामला शरीफपुर गांव का है, जो भी थाना दसूहा के अंदर आता है। यहां पे रात को ये लूट की घटना हुई है, जिसमें एक नरेंद्र सिंह एक्स बीएसएफ कमांडेंट, उनकी डेथ हुई है और उनकी वाइफ गंभीर रूप से घायल हुई है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये लूट का मामला है, जिसमें ये कत्ल हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। टांडा से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट।